पर जनतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया उग्र प्रदर्शन। डाक बंगला चौराहे पर प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने किया लाठी चार्ज, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राजगीर रेप मामले में न्याय की मांग करते हुए डाक बंगला चौराहे पर जुटे थे प्रदर्शनकारी। राजगीर के पहाड़ी इलाके में हुआ था लड़की से रेप, मुख्यमंत्री का घेराव करने पहुंचे थे ये सभी। अयोध्या विवाद में अभी ही सही समझौते की कोशिश, सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मध्यस्थता पैनल को सौंप दिया अपना प्रस्ताव, इसे वक्फ बोर्ड ने सीलबंद लिफाफे में सुप्रीम कोर्ट को सौंपा। सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी ने कहा, समझौते का मसौदा नहीं कर सकता मैं सार्वजनिक। समझौते के प्रस्ताव पर मुस्लिम पक्ष के वकील मकबूल का बयान, जो प्रस्ताव दिया वो मुस्लिम पक्ष को स्वीकार नहीं। मुस्लिम पक्ष की दलील, मध्यस्थता में अधिकृत लोग शामिल ही नहीं। निर्वाणी अखाड़ा से महंत धर्मदास, सुन्नी वक्फ बोर्ड से जफर फारूकी और हिंदू महासभा से चक्रपाणी समेत सिर्फ दो लोग हुए शामिल। मुस्लिम पक्षकारों की दलील, जब हिंदू पक्ष खुलेआम कह रहा है कि मध्यस्थता में हम हिस्सा नहीं लेंगे तो मध्यस्थता आखिर कैसे होगी। मुस्लिम पक्षकारों के समझौते के मसौदे से इनकार के बीच अखिल भारत हिंदू महासभा का दावा, मुस्लिम पक्षकार समझौता प्रक्रिया में हुए थे शामिल। सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कहा, नहीं छोड़ा है विवादित भूमि पर हमने दावा। अयोध्या मामले पर समझौते की अटकलों को लेकर राम जन्मभूमि न्यास के सख्त तेवर, रामविलास वेदांती गुंजाइश हुई खत्म। अयोध्या विवाद में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने की चैंबर मीटिंग, सभी ने फैसला लिखने को लेकर आपस में बातचीत की, 15 नवंबर के आसपास फैसला आने की उम्मीद। 26 अक्टूबर को अयोध्या में होगा दीपोत्सव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरों के साथ निमंत्रण पत्र, 5,51,000 दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। हरियाणा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दो रैलियां की, गोहाना और हिसार में जनसभाएं। गोहाना की रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने 370 हटाने के बाद दिए बयान को बनाया मुद्दा, कहा राहुल के बयान का पाकिस्तान अपने फायदे के लिए करता है इस्तेमाल। पीएम मोदी ने हिसार में कांग्रेस पर वार करते हुए जनता से किया सवाल, काम करने वाले लोग चाहिए या कारनामे करने वाले। हिसार में बोले पीएम मोदी, पहले से ही बड़े जनादेश का बन चुका है हरियाणा। आज मुंबई के बीकेसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होगी रैली। बीजेपी ने हरियाणा चुनाव में झोंकी अपनी पूरी ताकत, आज राजनाथ सिंह, जनरल वीके सिंह, हेमा मालिनी समेत कई दिग्गज करेंगे प्रचार। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में होने वाली सोनिया गांधी की रैली रद्द, अब राहुल करेंगे महेंद्रगढ़ में जनसभा। औरंगाबाद में असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और सावरकर के लिए भारत रत्न की मांग सरकार से ने जो की थी उसका किया विरोध, कहा गांधी की हत्या के साजिशकर्ता और टू नेशन थ्योरी पेश करने वाले को कैसे मिल सकता है भारत रत्न। ओवैसी ने दी दलील, भारत रत्न देना है तो सुखदेव, अशफाकुल्ला, भगत सिंह, इन सबको दीजिए। चुनाव प्रचार के लिए मुंबई पहुंचे बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा, लोकल ट्रेन में की सवारी। ईडी दफ्तर पर प्रफुल्ल पटेल की हुई पेशी। प्रफुल्ल पटेल पर दाऊद इब्राहिम के करीबी इकबाल मिर्ची से जमीन सौदे का आरोप। ईडी ने प्रफुल्ल से किया सवाल, क्या वो हजरा मेनन जो कि इकबाल मिर्ची की पत्नी उसे जानते हैं। ईडी ने प्रफुल्ल से हुमायूं प्रचंड और इकबाल मिर्ची से बातचीत के बारे में भी पूछा। सीएम सिंह बैंक घोटाले में पीड़िता की याचिका रद्द। हरियाणा के झज्जर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की रैली। 370 का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठने पर कांग्रेस का फोड़ा ठीकरा राजनाथ ने। विधानसभा चुनाव के नतीजे से बोले अल्पेश, मंत्री बनना हर किसी का सपना। उत्तर गुजरात की राधन विधानसभा सीट से बीजेपी टिकट पर चुनाव मैदान में है अल्पेश। तेजस्वी ने नीतीश पर किया वार, कहा पानी भरने के लिए नीतीश जिम्मेदार।
यूपी कांग्रेस अध्यक्ष ने राम मंदिर से जुड़े सवाल पर कहा सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार। कानून व्यवस्था का उठाया मुद्दा, बोले योगी राज में अराजकता का माहौल। लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के नेता की गला काटकर हत्या। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।